स्टोर में शिवसेना का अनवर शेख पर हल्ला बोल, नुक्कड़ बैठक में शामिल हुई सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं। आम्ही तीन हनुमान आहे आणि त्या रावणाची लंका जाळो, अरे तू बैल आहेस, तू शंकराचा नंदी बैल आहेस। काय तुझ्या अवकाशा, अरे ज्यांनी तुला घरदार करून दिलं, तुझे लपडे सांभाळले, तू त्यांना बोलतो? हा, एक लक्षात ठेव, माणसानी टीका करताना आपल्याला जे घडवलंय, ज्यांनी बनवलंय, तुला सभापती पर्यंत नेलंय, त्या माणसावर तू खालच्या पातळीवर टीका करतोस, तुला लाज वाटली पाहिजे। तू आजची तारीख लक्षात ठेव, ज्या दिवशी इलेक्शन होईल ना, त्याशी तुझा युग पूर्ण उतरल आणि तू परत त्या झोपडपट्टीमध्ये राहिलेशील। आज तू दादाच्या विरोधात बोलतोय, मग त्यावेळेस काय तुला सुचलं? त्यावेळेस काय सुचलं का तू दादा असे करतात, आज का तू बोलतो? कारण तुला खायला भेटत नाही। जैसे जैसे मुंबई मनपा चुनाव करीब आ रहा है, शिवसेना और बीजेपी में तलखी गरमाती जा रही है। आज शाम के केआर रोड तुर्वे स्टोर में आयोजित शिवसेना की कॉर्नर मीटिंग और हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में इसका नजारा साफ देखने को मिला। यहां वरिष्ठ नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी पर बीजेपी कार्यकर्ता अनवर शेख द्वारा की गई टिप्पणी से नाराज शिव सैनिकों ने उन पर जमकर हमला बोला। शिवसेना पदाधिकारियों ने कहा कि सुरेश कुलकर्णी बीते 25 वर्षों से तुर्वे स्टोर की जनता के सुख दुख में साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भाषणबाजी कर जनता का हमदर्द बनना चाहते हैं। वहीं खुद सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि जो लोग आज मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि वो जहां भी हैं मेरी वजह से हैं। सुरेश कुलकर्णी ने दावा किया कि यहां की 6 सीटों पर शिवसेना प्रत्याशी ही जीत कराएंगे। सर्वप्रथम मैं ये कार्यक्रम जो हल्दी कुंकू समारंभ का कार्यक्रम गया, हम लोग एक महीने से काम कार्यक्रम चालू है, उस जगह पे महिला बहुत उत्सव से यहाँ पर कार्यक्रम में आते हैं, और ये हमें हमारा भी एक महीना हो गया ये कार्यक्रम चालू है। अभी इसके आगे भी हम लोग ये 8 दिन 2 कॉर्नर मीटिंग का हम लोग का आयोजन किया है, वही सबसे ये कार्यक्रम चालू है और ये इसका आगे भी ऐसे चालू रहेगा, और पूरा मोहल्ले का ये संडे तक हम लोग ये कार्यक्रम सब खत्म करने वाले। मैं गुस्से में बोला इसके लिए जो कुछ लोग गलत वर्ल्ड यूज करते हैं वो गलत है। इस जगह पर काम हमने 25 साल से तो हम काम करते ही हैं, वो भी हमारा ही साथ में थे, अभी जाके बस 5-6 महीने में आज अलग हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। हमने बहुत सारे कुछ मदद किए, सबको बड़ा बनाया, वो बात अलग है, चलो आप अपना करते हुए से बड़ा होते हो, किसको हमको उसके बारे में बोलना नहीं, लेकिन इस जगह पे मैंने काम किया 25 साल से और इधर काम है हमारा और इसका आगे भी काम रहेगा, और इधर चुन के भी हमारे ही सब आएंगे 6 के 6, और किसको कितना ताकत लगाने को लगाना था। बताना जरूरी है कि तुर्वे स्टोर्स के केआर रोड पर आयोजित इस नुक्कड़ बैठक में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाएं और उत्तर भारतीय लोग शामिल हुए थे। अजय गुप्ता और इस्लाम शेख जैसे स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित इस बैठक में सुरेश कुलकर्णी ने शिवसेना का भगवा लहराने का संकल्प दोहराया। वार्ड के भावी उम्मीदवार महेश कुलकर्णी ने कहा कि यहाँ की जनता मेरा परिवार है जो सदैव साथ रही है, और हम इस क्षेत्र के युवाओं के उत्थान के लिए कटिबद्ध हैं। वहीं शिवसेना नेत्री सुरेखा गवाने ने कहा कि यहाँ शिवसेना महाविकास आघाड़ी की जीत होकर रहेगी। जीत महाविकास आघाड़ी के हमारे जो कैंडिडेट है यहाँ के महेश भाई जी, उनकी जीत होगी, क्योंकि यहाँ उनका काम जो 25 साल से वो खुद के दम पे जो लोगों के ऊपर जो दिल उन्होंने दिल ये करके रखा है, जिता के रखा है। देखो यही विभाग में उन्होंने खुद के 4 घर लेके वहाँ शौचालय बनाए, जो लेडीज़ का प्रॉब्लम रहता है वो खुद के खर्चे से शौचालय बना के जो माँ बहनों की इज्जत संभाल के रखी है। सोचो आज कितना भी कोई मतलब लालच दिखाए, फिर भी ये बहनें नहीं बदलने वाली, क्योंकि उनके बुरे समय में उनके 25 साल में इन्होंने अपने खर्चे से और अपने दम पे उन लोगों को संभाल के रखा है। जॉब फेयर के बारे में अभी सोच रहा हूँ, तो काफ़ी सारे कंपनीज होते हैं, उनके एचआर्स होते हैं, क्योंकि मैं खुद एक कॉरपोरेट सेक्टर से हूँ और मैंने काफ़ी जगह काम भी किया हुआ है, और काम किया है इसका मतलब ये नहीं कि कोई यहाँ पर कुर्सी पर बैठ के काम किया है या ऐसे कुछ नहीं, मैं काफ़ी जगह पर काम किया जहाँ पर मेरा जो मंथली सैलरी या स्टाइफंड जो बोलते हैं ये 1500 रुपया मेरा महीने का स्टाइफंड था,
तो ऐसी जगह पर भी काम किया हुआ है, तो मुझे पूरा ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक का सारा नॉलेज मुझे है। तो यही चीज़ें मैं उन्हें भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर हम चालू करते हैं तो काफ़ी शुरुआत से और काफ़ी नीचे से जब शुरू करते हो तब जाके आप वो ऊपर के मुकाम पर पहुँचते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।